ये गाइज रियलमी अपने सी सीरीज के अंदर एक और नया स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है रियलमी C65। दोस्तों ये स्मार्टफोन को 4 अप्रैल को लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि ये स्मार्टफोन अभी वियतनाम में लॉन्च हो रहे हैं और कुछ दिनों के बाद इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों रियलमी का ये स्मार्टफोन बाकी मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक और रेंडर इमेज भी सामने आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इस स्मार्टफोन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग स्मार्टफोन रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन के बारे में बात करेंगे। तो स्मार्टफोन का डिजाइन हूबहू सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के स्मार्टफोन जैसा ही है। यह स्मार्टफोन में आपको फ्लैट फ्रेम मिलेगा जिसके राइट साइड में वॉल्यूम और पावर बटन दिया गया है। स्मार्टफोन में बैक पैनल पर रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिला है जिसमें वर्टिकल पैटर्न में 3 सेंसर है जहां डुअल कैमरा और एक अन्य सेंसर है। इसके साथ ही LED फ्लैश भी दिया गया है। फोन में पीछे की तरफ काफ़ी चमकदार डिजाइन देखने को मिला है, साथ ही नीचे की ओर रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है। डिवाइस के राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम बटन दिया गया है और ये स्मार्टफोन को 2 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, ब्लैक एंड ब्लू। गाइज ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर मिलेगा। और हाँ गाइज ये स्मार्टफोन में 8GB LPDDR4X का रैम, 128GB तक UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है। बात करें इस फोन की डिस्प्ले की तो डिस्प्ले साइज अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट गाइज इसमें आपको फुल HD IPS LCD डिस्प्ले दी जाएगी जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा और ये डिस्प्ले पंच होल कटआउट के साथ आएगी। अगर हम इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो फोन के प्रोसेसर को लेकर के सामने आया है कि ये डिवाइस मीडियाटेक हेलियो G85 चिपसेट के साथ लॉन्च हो सकता है, हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो अब हम बात करें इस फोन के कैमरा क्वालिटी की, इस मोबाइल फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा जिसमें 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा रहेगा। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। इसके बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा से आप फुल HD 30fps में वीडियो को शूट कर सकते हो। तो नो डाउट दोस्तों ये फोन जो आएगा मिड रेंज कैटेगरी में आएगा, प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा भी इसका काफी लाजवाब रहने वाला है। वहीं पर इन सभी को ऑन रखने के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 45W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा। इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1 और USB Type-C पोर्ट दिए गए हैं। साथ में आपको 3.5 का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों रहेगा। अब हम बात करें इस फोन की प्राइस की तो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है 11,999 रुपया। दोस्तों ये स्मार्टफोन उम्मीद है कि 4 अप्रैल को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो जाएगा।